तो दोस्तों आज हम कंपेयर करेंगे एसएसटी वर्सेज एसएसडीडी। तो दोस्तों मॉडल है एचपी का R074TU। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं, इसमें पहले विंडो 7 थी। अब विंडो 7 में इसमें कितना टाइम लगता है वो टाइमर चल रहा है, और हम अब इसमें एसएसडी लगाएंगे और उसके बाद विंडो 10 डालेंगे तो कितना टाइम का इफेक्ट आता है दोस्तों, वो हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहें और स्किप ना करें, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस मॉडल का लैपटॉप के पूरा आपको हार्ड डिस्क वर्सेस एसएसडी, मतलब हार्ड डिस्क में क्या फ़र्क पड़ता है और एसएसडी लगाने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी स्पीड में क्या फ़र्क पड़ता है, वो सारा हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों ये मॉडल है R074TU, i3 4th जनरेशन और 8 GB रैम। हम इसमें रैम भी अपडेट करेंगे और 8 से हम 16 भी करेंगे, लेकिन हम अगर रैम भी अपग्रेड ना करें तो भी एसएसडी लगाने से हमारे कंप्यूटर की स्पीड में बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। थैंक यू। दोस्तों ये डेस्कटॉप तो आ गया, लेकिन डेस्कटॉप आने का मतलब ये नहीं है कि आपका कंप्यूटर चालू हो गया। अभी डेस्कटॉप को स्टेबल होने में भी बहुत सेकंड लग रहे हैं। अभी आइकॉन धीरे धीरे आ रहे हैं। अब दोस्तों जब तक माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी अपन ओपन नहीं करेंगे, ये डेस्कटॉप स्टेबल नहीं होगा। मतलब डेस्कटॉप आने का मतलब ये नहीं कि आप काम करने लग जाओ, इसको स्टेबल होने में भी काफ़ी सेकंड लगेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं हम स्टेबल हो जाए। और ये पिक्चर हमने इसलिए आधी कर दी क्योंकि ये किसी का लैपटॉप है और उस लैपटॉप पे फोटो है जो हम नहीं चाहते कि किसी का पर्सनल फोटो आप देखें। तो दोस्तों ये अभी तक डेस्कटॉप जो है वो स्टेबल नहीं हुआ है। अब जब तक ये स्टेबल नहीं होगा, माय कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टी है वो हम नहीं खोल पाएंगे। तो अब माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी, हमने माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक किया है और अब उसकी प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं। तो लगभग 3 मिनट इस सिस्टम को स्टेबल होने में लग गए। तो दोस्तों अब हम इस लैपटॉप को खोलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये i3 4th जनरेशन है, ये मॉडल है 15R074TU। अब हम इसको खोल के पूरा लैपटॉप और कैसे खोलते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ये लैपटॉप 4th जनरेशन i3 है और इस लैपटॉप में कौन कौन सी पिन कब निकालनी होती है, तो इस लैपटॉप को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों अंत तक, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
तो दोस्तों अभी लैपटॉप हमने खोल लिया है और अब हम अंदर वाली हार्ड डिस्क हटा के और यहाँ एसएसडी लगाएंगे। हम चाहें तो डीवीडी राइटर हटा के भी एसएसडी लगा सकते थे, लेकिन अंदर वाली हार्ड डिस्क हटा के एसएसडी लगाने का रीज़न ये है कि हमको एसएसडी की पूरी स्पीड मिले। तो हम अंदर वाली हार्ड डिस्क को डीवीडी राइटर की जगह लगाएंगे और इसकी जगह एसएसडी लगाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों अब जो रैम है इसमें 4-4 GB की दो रैम लग रही है, हम उसकी जगह 8-8 GB की दोनों रैम लगाएंगे। Thank you.
दोस्तों अब लैपटॉप पूरी तरह पैक हो गया है, बस अब हार्ड डिस्क को हमको ड्यूडेटर की जगह लगाना है। तो दोस्तों ये कैडी है, ये कैडी आपको बाजार में 100-150 रुपए के बीच में आराम से मिल जाएगी। इसके अंदर हार्ड डिस्क फिट होती है और ये ड्यूडेटर की जगह लगती है। तो उसको पेचे को अच्छी तरह कस दें, और ड्यूडेटर के पीछे लॉक होते हैं, वो लॉक कैडी के पीछे लगाना ना भूलें, नहीं तो कैडी आपकी निकल जाएगी। तो दोस्तों ये लॉक हमने ड्यूडेटर में से निकाल लिए हैं और कैडी में लगा दिए हैं, तो और हमने इस लैपटॉप में विंडो डाल दी है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो कंपैरिजन होगा विंडो डालने के बाद कि एसएसडी और एसएसडी में क्या फर्क पड़ा, तो दोस्तों ये फर्क एसएसडी और एसएसडी में आया है। दोस्तों ये कंपैरिजन था एसएसडी मतलब एचडीडी, जो मॉडल एचपी का था R074TU, मतलब एसएसडी 33 सेकंड में आपका नॉर्मल हो गया कंप्यूटर, और एचडीडी में लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।